कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी स्टार्ट किया था हमने और इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज कंप्लीट आज हमें स्टार्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन है हमारे पास इसका वन ट्वेंटी सिक्स और ये सेक्शन क्या कहता है सेक्शन वन ट्वेंटी सिक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस to perform the promise or discharge the liability or discharge the liability of a third person of the third person in case of his default समझ में नहीं आया मैम ओके okay, जी किसी तीसरे व्यक्ति के किसी तीसरे व्यक्ति के चूक करने पर चूक या फिर दोषी होने पर के चूक करने पर या फिर दोषी होने पर उस तीसरे व्यक्ति के उस तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करना उस तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करना या फिर या फिर उसका दायित्व निभाना उसे कहते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ठीक है जी अटेंडेंस पेटा बाद में मार्क करूंगी सो so, जब कोई तीसरा व्यक्ति चूक करता है या किसी तीसरे व्यक्ति की गलती पर जब आप उसकी उसके वादे को निभाने का वादा करते हैं इसे आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मैम अभी भी समझ में नहीं आया तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए मान लीजिए ये आप हैं ये आप हैं आप और ये बैंक है दिस इज बी बैंक आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं आप ए हैं या फिर मान लीजिए कि आप सी हैं और बैंक कहता है कि मैं तुम्हें लोन दे तो दू लेकिन क्या गारंटी है कि तुम मुझे लोन वापस कर दोगे मुझे तुम पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है क्या गारंटी है कि तुम मुझे लोन वापस कर दोगे तो सी कहता है ठीक है मैं आपको ए की गारंटी देता हूं ए कौन है ए सी का फादर है मान लीजिए ए सी का फादर है, फादर. कहता है कि मेरे फादर का अकाउंट भी आपके बैंक के साथ ही है तो मैं अपने फादर से गारंटी दिलवाता हूं आपको कि यदि मैं आपका उधार ना चुका पाया तो मेरे पिताजी चुकाएंगे मेरे बिहाफ पर आपका उधार बी कहता है ठीक है लेकर आओ गारंटी तो जो सी का फादर है ए वो गारंटी देता है गारंटी फॉर सी सी के बिहाफ पर गारंटी देता है बी को कि यदि सी लोन ना चुका पाया तो मैं लोन चुकाऊंगा आपको आप इसे लोन दे दीजिए और इस गारंटी के ऊपर बेस्ड जो बी है बैंक वो पचास हजार का लोन का अमाउंट सी को दे देता है इस केस में आपको पता है कि कौन सी पार्टी कौन है ये जो बैंक है बैंक है क्रेडिटर बैंक क्रेडिटर है इसे आप कहते हैं प्रिंसिपल डेटर है देनदार, ये है लेनदार, creditor, यह है प्रिंसिपल डेटर जिसने लोन वापस करना है और जो ए है इज नोन एज गेंटर गैरेंटर या फिर श्योरिटी आपको पता है जब आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपसे गारंटी मांगता है कि इस इस बैंक में अगर किसी और का खाता है तो उससे गारंटी लेकर आइए सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है जो बैंक है वो क्रेडिटर है ए की गारंटी के बिहाफ पर बेस पर जो बी है उसने सी को लोन दे दिया है यहाँ पर बी इज द क्रेडिटर सी इज द प्रिंसिपल डेटर एंड ए इज द गारंटर और श्योरिटी फॉर सी अब देखते हैं डेफिनेशन दोबारा से क्या कहती है डेफिनेशन किसी तीसरे व्यक्ति के चूक करने पर यह है तीसरा व्यक्ति दिस इज द थर्ड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के चूक करने पर कौन है ये तीसरा व्यक्ति ये तीसरा व्यक्ति है सी किसी तीसरे व्यक्ति के चूक करने पर या दोषी होने पर उस तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करना उस तीसरे व्यक्ति के तीसरे व्यक्ति का वादा कौन है कौन सा है तीसरे व्यक्ति का वादा है लोन को चुकाना तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करना या फिर उसका दायित्व निभाना उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और गारंटी किसने दी है ए ने दी है इसलिए ए इज द गारंटर एंड जिसको गारंटी दी गई है दैट पर्सन इज बी ठीक है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का ये मतलब है बच्चे अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या महत्वपूर्ण तत्व है महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो कम से कम तीन लोगों के बीच में होना चाहिए कम से कम तीन लोगों के बीच में होना चाहिए कम से कम तीन लोग वो तीन लोग कौन है कौन है वो तीन लोग पहला क्रेडिटर दूसरा प्रिंसिपल डेटर एंड तीसरा गारंटर या फिर श्योरिटी तीन लोग होने चाहिए यहां पर थ्री पार्टीज कम से कम दूसरा फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है आजाद सहमति सभी पार्टीज की आजाद सहमति होनी चाहिए जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया जाना चाहिए थप्पड़ मुक्का करके या फिर किसी के ऊपर दबाव डालकर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना आजाद सहमति होनी चाहिए आजाद सहमति का मतलब क्या है बिना दबाव के

कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक या फ्रॉड नहीं होना चाहिए वरना उसे वैलिड नहीं माना जाएगा थर्ड इज श्योरिटी की जो ऑब्लिगेशन है श्योरिटी का कर्तव्य श्योरिटी कौन है ए श्योरिटी का कर्तव्य तभी शुरू होगा श्योरिटी का कर्तव्य तभी शुरू होगा कब शुरू होगा मैम जब जब जो प्रिंसिपल डेटर है जब प्रिंसिपल डेटर जिसने मुख्य रूप से पैसे चुकाने हैं जब प्रिंसिपल डेटर चूक करेगा चूक या दोष करेगा जब प्रिंसिपल डेटर अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएगा तब श्योरिटी का कर्तव्य शुरू होगा अथवा प्रिंसिपल डेटर अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएगा तब जाकर श्योरिटी को कहा जा सकता है ला, भाई अब तू पैसे ला जब तक प्रिंसिपल डेटर अपना अपना प्रॉमिस पूरा करता रहेगा तब तक श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी श्योरिटी पिक्चर में तभी आएगा जिस टाइम पर प्रिंसिपल डेटर दोष करेगा जिस टाइम पर प्रिंसिपल डेटर अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएगा उस टाइम पर श्योरिटी को बुलाया जाएगा कि अब आपकी बारी है फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है ओरल या फिर रिटर्न बस आपने शब्दों का प्रयोग करना है वो शब्दों का प्रयोग चाहे आप मौखिक रूप से करें चाहे आप लिखित रूप से करें आपको शब्दों का उपयोग करना है बिना शब्दों के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बन सकता दैट मीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इम्प्लाइड नहीं हो सकता ये एक्सप्रेस ही होगा हमेशा एक्सप्रेस मतलब शब्दों का प्रयोग करना है शब्दों का प्रयोग चाहे आप मौखिक रूप से करो चाहे आप लिखित रूप से करो फर्क नहीं पड़ता और और कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जब तक जब तक प्रिंसिपल डेटर का कर्तव्य शुरू नहीं होता तब तक श्योरिटी या फिर गारंटर अपने कर्तव्य से आजाद है सबसे पहले किससे पैसा मांगा जाएगा प्रिंसिपल डेटर से जब तक प्रिंसिपल डेटर से ही पैसा नहीं मांगा जाता तब तक गारंटर को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है वो चुपचाप बैठे। so, जब तक प्रिंसिपल डेटर का कर्तव्य शुरू नहीं होता तब तक श्योरिटी का कर्तव्य भी शुरू नहीं होगा श्योरिटी का कर्तव्य तभी शुरू होगा जब प्रिंसिपल डेटर अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर देगा ये है महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या सबसे पहले तो तीन लोगों कम से कम तीन लोग होने चाहिए क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर, आजाद सहमति होनी चाहिए फ्री कंसेंट जिसमें इन्फ्लुएंस जिसमेंटेशन मिस्टेक या फ्रॉड ना हो श्योरिटी का कर्तव्य तभी शुरू होता है जब प्रिंसिपल डेटर अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर देता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है और प्रिंसिपल डेटर का कर्तव्य जब तक शुरू नहीं होता तब तक श्योरिटी भी अपने कर्तव्य से आजाद है अब मैम आप ये बताओ कि इंडेमिनिटी और गारंटी के बीच में फर्क क्या है वट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी चलिए जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेटा प्लीज डोंट मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स राइट नाउ लास्ट में मैं आपको फाइव मिनट्स दूंगी तब आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी एंड गारंटी सो so, यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिस आधार जिस आधार पर हम डिफरेंस बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फर्स्ट पॉइंट क्या है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट चैट चैटबॉक्स में एक्टिव हो जाइए बताइए मुझे इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती हैं ओनली टू पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में दो पार्टीज होती हैं। एक होता है इंडेमनिफायर और दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर जो लॉस से सुरक्षित करने का वादा करता है उसे इंडेमनिफायर बोलते हैं और जिसको लॉस से सुरक्षा प्रदान करी जाती है दैट पर्सन इज नोन एज इंडेमनिटी होल्डर राइट अंजू शुभम और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं राइट सिमरनजीत गौरव अंकुश नेहा अंजू थ्री पार्टीज क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी ठीक है जी सेकेंड ऑब्जेक्ट उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या उद्देश्य होता है बेटा किस मकसद से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सॉरी किस उद्देश्य से किया जाता है यहां पर उद्देश्य रहता है सेफ्टी सेफ्टी फ्रॉम अंजू सेज सुरक्षा राइट बच्चे सेफ्टी फ्रॉम एंड अनसर्टन फ्यूचर इवेंट होने वाली किसी घटना जो कि अनिश्चित घटना है होने वाली किसी अनिश्चित घटना से सुरक्षा अनिश्चित भावी घटना से सुरक्षा पाना उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का इंश्योरेंस तो गारंटी का क्या उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्या उद्देश्य है विश्वास दिलाना टू एश्योर अदर पार्टी दूसरी पार्टी को विश्वास दिलाना विश्वास दिलाना कि जो वादा है वो पूरा हो जाएगा विश्वास दिलाना अंजू विश्वास गौरव प्रॉमिस ओके जी नेक्स्ट इज लाइबिलिटी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो यहां पर जो इंडेमनिफायर होता है उसकी लाइबिलिटी मुख्य होती है प्राइमरी मुख्य प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ इंडेम्निफायर जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होगा वैसे ही इंडेम्निफायर को लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी इसलिए इंडे इंडेमनिफायर की जो लाइबिलिटी होती है वो मुख्य होती है प्रमुख होती है लेकिन यदि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें तो यहाँ पर श्योरिटी लाइबिलिटी इज सेकेंडरी श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है मुख्य नहीं होती बाद में आती है क्यों बाद में आती है कब बाद में आती है श्योरिटी का कर्तव्य तभी उजागर होगा जब प्रिंसिपल डेटर जब प्रिंसिपल डेटर चूक करेगा जब प्रिंसिपल डेटर चूक करेगा उसी टाइम पे श्योरिटी आगे आएगा वरना श्योरिटी चुपचाप बैठा रहेगा इसलिए श्योरिटी की लायबिलिटी प्रमुख नहीं होती जबकि इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्रमुख रहती है नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यहां पर सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है एक ही अनुबंध होता है ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होता है इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर के बीच में होता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन यदि हम इसकी बात करें गारंटी की तो यहां पर वी हैव थ्री कॉन्ट्रेक्ट्स यहां पर तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसके किसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट यहां होता है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यहां पर राइट सिमरनजीत नेक्स्ट इज स्कोप दायरा किसका दायरा ज्यादा बड़ा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का दायरा ज्यादा बड़ा है इसका स्कोप लिमिटेड है स्कोप इज लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का जो दायरा होता है दायरा सीमित सीमित दायरा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं आता इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता लेकिन इसका दायरा विस्तृत होता है इसका दायरा विस्तृत क्यों होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी आता है क्यों आता है क्योंकि यहां पर जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर को वादा करता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा तो so, यहां पर गारंटी तो है ही है साथ में इंडेमनिटी भी है इसीलिए इसका दायरा विस्तृत है नेक्स्ट इज योर पॉइंट नंबर सिक्स नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स के यदि हम स्वभाव की बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है यहां पर सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस हानि से सुरक्षा ये कॉन्ट्रैक्ट आपको हानि नहीं होने देगा हानि से सुरक्षा है यहाँ पर लेकिन अगर हम यहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस यहाँ पर विश्वास दिलाया जाता है किसे विश्वास दिलाया जाता है किसे क्रेडिटर को कि आपको नुकसान नहीं होगा नेक्स्ट इज कंसीडरेशन कंसीडरेशन क्या है देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट जायज तभी होता है जब उसके बदले में कुछ मिले अगर बदले में कुछ नहीं आ रहा तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स करे थे कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिना कंसिडरेशन के होता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता सो so, बदले में कुछ होना चाहिए यहां पर बदले में क्या होता है यहां पर इंडेमिफायर को कंसिडरेशन मिलता है कंसिडरेशन मिलता है क्या होता है यहाँ पर कंसिडरेशन फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस प्रीमियम आप प्रीमियम पे करते हैं तो आपको बदले में सुरक्षा मिलती है सो so यहां पर इंडेमनिफायर को क्या मिल रहा है प्रीमियम और इंडेमनिटी होल्डर को क्या मिल रहा है लॉस से सुरक्षा इंडेमनिफायर इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिफायर को क्या मिल रहा है कंसीडरेशन में प्रीमियम और इंडेमिटी होल्डर को क्या मिल रहा है लॉस से सुरक्षा लेकिन यदि हम श्योरिटी की बात करें श्योरिटी श्योरिटी को बदले में कोई कंसीडरेशन नहीं मिलती मैम फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे हुआ कोई कंसीडरेशन नहीं मिलती उसके लिए कंसीडरेशन क्या है उसके लिए कंसिडरेशन क्या है सी की भलाई श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन क्या है कि भाई सी का भला हो जाए वही मेरे लिए काफी है श्योरिटी के लिए प्रिंसिपल डेटर का बेनिफिट अगर प्रिंसिपल बेनिफिट प्रिंसिपल डेटर को कोई बेनिफिट हो रहा है प्रिंसिपल डेटर का जो लाभ है वही कंसीडरेशन है प्रिंसिपल डेटर का लाभ ही के लिए है। तो आप ये नहीं कह सकते कि श्योरिटी को बदले में कुछ नहीं मिल रहा मिल रहा है क्या मिल रहा है प्रिंसिपल डेटर का भला राइट टू सी मुकदमा करने का अधिकार हां जी क्या इंडेमनिफायर मुकदमा कर सकता है किसी थर्ड पार्टी पर इसमें मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी का केस बताया था कि इंडेमनिटी होल्डर की बिल्डिंग में आग लग जाती है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उस तीसरे व्यक्ति पर मुकदमा कर सकती है हां जी कर तो सकती है लेकिन इंडेमनिटी होल्डर के नाम पर कर सकती है एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसका इंश्योरेंस कंपनी इन और ए है इन होल्डर और बी की वजह से ए की प्रॉपर्टी में लग जाती है आग और ये इसको लॉस की भरपाई करता है इंश्योरेंस कंपनी बी की वजह से ए की बिल्डिंग में आग लग गई तो क्या इंश्योरेंस कंपनी अपने नाम पर बी को सीयू कर सकती है अपने नाम पर नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी बी को सीउ कर सकती है लेकिन किसके नाम पर लेकिन ए के नाम पर अपने नाम पर नहीं कर सकती लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखिए ये बैंक है ये सी है ये ए है ये श्योरिटी है बैंक ने उधार दिया है पचास हजार रुपए का सी उधार नहीं चुका पाता उधार नहीं चुका पाता तो जो बैंक है वो ए से उधार मांगता है उधार का पैसा ए से मांगता है ए बैंक एचास हजार रुपए देकर अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाता है ये लाइबिलिटी थी किसकी सी की थी लेकिन पे किसको करनी पड़ी ए को सी ने चूक करी क्या ए सी पर मुकदमा कर सकता है ए क्या सी पर मुकदमा कर सकता है यस yes, कर सकता है अपने नाम पर अपने नाम पर कर सकता है इंडेमिटी में और गारंटी में क्या फर्क है इंश्योरेंस कंपनी अपने नाम पर मुकदमा नहीं कर सकती उसको इंडेमिटी होल्डर के नाम पर मुकदमा करना पड़ेगा लेकिन यहां पर जो श्योरिटी है वो अपने नाम पर मुकदमा कर सकता है सो दीज आर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंड गारंटी ठीक है जी आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टूडे कल हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गारंटी कीप रिवाइजिंग एंड कीप जो